नमस्कार दोस्तों, जय भीम अम्बेडकरनामा के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम दूसरे इशू पे बात करेंगे। एक इशू पे लगातार एपिसोड इसलिए नहीं बना रहा हूं, कहीं आपको मोनोटोनी ना हो जाए, आप बोर ना हो जाए, तो इसलिए बीच बीच में एक आध टॉपिक में चेंज करता हूं। बहरहाल आज मैं बात करूंगा आजाद भारत की। जब भारत आजाद हो गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस सरकार में बतौर मंत्री शामिल हुए, तो उनपे कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए गए कि आप कैबिनेट मिशन के जाने के बाद लंबे समय तक क्यों चुप रहे? जिस कांग्रेस के खिलाफ आप लड़ते रहे 2 दशक से ज्यादा समय तक, उस सरकार में क्यों शामिल हुए? तो इस तरह के कई सवाल थे जो उस समय भी और आज भी लोग उसका उत्तर चाहते हैं। तो यहां मैं एक सभा की बात करूंगा कि जो लखनऊ में 24-25 अप्रैल 1948 को हुई थी, और ये यूनाइटेड प्रोविंस मतलब उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सभा थी, 24-25 अप्रैल 1948। यहां पे इस सभा में ठीक एक साल पहले उत्तर प्रदेश के शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए वहां काफी बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें कि 2000 से ज्यादा लोग उसमें शरीक हुए थे। उनको गिरफ्तार किया गया था, मुकदमे हुए थे, उनको जेल में बंद किया गया था। इस लिहाज से लखनऊ में ये बड़ा आंदोलन था, ये बड़ी कुर्बानी थी। उस समय तक अगर आप देखेंगे तो अंबेडकर साहब एक दलित नायक के रूप में, एक धारक के रूप में स्थापित हो चुके थे, इसलिए लखनऊ के लोग उनको सुनने के लिए व्याकुल थे और बहुत तत्परता से उनका इंतजार कर रहे थे। इस कार्यक्रम में तकरीबन 1 लाख लोग शामिल हुए, एक बड़ी जनसभा, बड़ी रैली थी। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने योगदान दिया उनका नाम भी लेना यहां जरूरी है, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। उनका नाम था गया प्रसाद, बाल गोविंद, कन्हैया लाल सोनकर, बुद्धदास चौधरी, पीएन राजभोज, श्री गोपी चंद विप्पल, श्री तिलक चंद कुरील। इन्हीं लोगों के संयुक्त प्रयास से यह कार्यक्रम सफल हुआ था। इस कार्यक्रम के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला कि यह स्पष्ट हो गया था उस समय तक कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके दुखों का अंत आजाद भारत की सरकार में संभव नहीं है। दूसरा यह भी स्पष्ट हो गया था कि शेड्यूल कास्ट के लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने हक हकूक के लिए संघर्ष करने और लड़ने के लिए तैयार हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। ये 2 पहलू यहां महत्वपूर्ण है। बहरहाल ये जो भाषण, यहां पे मुख्य अतिथि डॉक्टर अंबेडकर थे, और जो उनका व्याख्यान था, जो भाषण था, अगर उसकी पूरी समीक्षा की जाए, एनालिसिस की जाए, तो उसके 3-4 महत्वपूर्ण पहलू निकल कर आते हैं। ये पहला जो पहलू है जिसका उत्तर अंबेडकर के भाषण में मिलेगा, पहला पहलू है कि कैबिनेट मिशन के जाने के बाद आप लंबे समय तक क्यों चुप रहे। जो दूसरा पहलू है कि आपने कांग्रेस सरकार को क्यों ज्वाइन किया। तीसरा पहलू है कि भविष्य में क्या करें, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट नेक्स्ट। अब तो भारत आजाद हो चुका है, कांग्रेस की सरकार बन गई है, अब उन्होंने कैबिनेट मिशन है ना, कुछ है, आप किससे अपनी बात रखेंगे, भारत की अपनी सरकार से ही अपनी बात रखनी है। चौथा जो पहलू था, फोर्थ, जो मुझे लगा जो आपसे साझा करूं, कि ओबीसी और दलित एकता के बीच में क्या रणनीति होनी चाहिए। चौथा बहुत दिलचस्प पहलू है, और ये आज भी, तीसरा और चौथा जो पहलू मैंने कहा, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बात की भी चर्चा की जाए। बहरहाल अपने पहले प्रश्न के उत्तर में कि आप कैबिनेट एडमिशन के जाने के बाद आप लंबे समय तक क्यों चुप रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन राजनीतिक सुरक्षा चाहती थी, लेकिन वो सुरक्षा उनको नहीं मिली जो वो चाहते थे। क्या चाहते थे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र। यहां स्मरण करना ये जरूरी है कि पूना पैक्ट के बाद भी लगातार शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो है उठाते रहे। तो कैबिनेट मिशन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों को अस्तित्व को स्वीकार किया कि जिसे सत्ता हस्तांतरित किया जा सकता था।
डॉक्टर अंबेडकर ने यहां कहा कि हमारी विफलता की, हमारी असफलता के दो मुख्य कारण थे। पहला कि मुस्लिम और सिख की तुलना में हम लोग एक कमजोर दल थे। दूसरा कि हम लोग खुद आपस में बटे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक संरक्षण के बगैर अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा संभव नहीं था। मेरे पास अंधेरा था, कंप्लीट अंधेरा था। आजाद भारत है, सरकार कांग्रेस की है, कोई विकल्प नहीं था, किससे बात करें, क्या करें। तो इसलिए कहते हैं कंप्लीट अंधेरा था, मैं क्या करूं नहीं करूं मेरे ही समझ में ये बात नहीं आ रहा था। इसलिए वो कहते हैं कि कैबिनेट मिशन के जाने के बाद लंबे समय तक मैं क्यों चुप रहा, उसका जवाब ये है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो सवाल उस भाषण का है कि उनसे आज भी ये सवाल कई लोग करते हैं कि कांग्रेस आखिर उन्होंने क्यों ज्वाइन किया। उस समय भी ये सवाल अहम था कि जिस कांग्रेस पार्टी से लगातार वो लड़ते रहे उसकी सरकार में क्यों शामिल हुए, तो इसका जवाब उन्होंने दिया। और यह जवाब यह है कि एक तो ये पहले प्रश्न से भी जुड़ा हुआ है, ये कैबिनेट मिशन ने इनको झटका दे दिया था, आपस में विखंडन था, और तीसरा शेड्यूल कास्ट के हितों को बचाने के लिए पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, राजनीतिक संरक्षण की जरूरत थी। ये बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल होने के दो महत्वपूर्ण कारण थे, दो कारण जिसकी वजह से मैं सरकार में शामिल हुआ। पहला कि यह बगैर शर्त था, इसमें कोई कंडीशन नहीं था, और दूसरा सरकार से बाहर रहने की अपेक्षा सरकार के अंदर रहकर अनुसूचित जाति के हितों की, जातियों के हितों की रक्षा की जा सकती थी। उन्होंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लगा, इसलिए मैं चाह रहा था कि शेयर करूं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के सदस्य के रूप में नहीं शामिल हुआ, मैं सरकार में कांग्रेस के सदस्य के रूप में नहीं शामिल हुआ, उनके इन्विटेशन पे, आमंत्रण पे शामिल हुआ, इसलिए मेरे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, मैं कभी भी सरकार छोड़ सकता हूं। उन्होंने इस बात पे बार बार बल दिया। आजकल जो लोग बहुत विशुद्धतावादी हैं उन पे चर्चा करूंगा अभी। उन्होंने बार बार इस बात पे बल दिया कि हर समय लड़ते रहना, संघर्ष करते रहना रणनीतिक रूप से ठीक नहीं होता है, और विकल्पों की तलाश की जानी चाहिए, क्योंकि समाज के जो ताने बाने हैं ना राजनीति के, वो सिर्फ एक व्यक्ति के चाहने भर से नहीं चलता है। विभिन्न हित समुदाय एक समाज में डिफरेंट लेयर्स होते हैं। इसलिए दुनिया के जितने पॉलिटिकल पार्टी है, याद रखिएगा, वो सब आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनको समझौता करना पड़ता है, अलायंस करना पड़ता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जाना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग विशुद्धतावादी हैं वो तो उनसे क्या कहें, वो तो घर भी नहीं ठीक से चल पाता है लोगों का, देश और समाज चलाना तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा यह सत्य है कि मैं सदैव कांग्रेस का आलोचक रहा हूं, लेकिन साथ साथ विरोध करने के लिए विरोध करना मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता कि सिर्फ ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, ये सिद्धांत ठीक नहीं है, कोई कुछ भी बोले तो उसका विरोध ही करना है। उन्होंने कहा कि सहयोग की भावना भी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने समुदाय के हितों की रक्षा कर सके, उनके लिए कुछ प्राप्त कर सके। मैंने सोचा कि इस समय कांग्रेस से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने सहयोग और समझौता का रास्ता अपनाया, जिसकी वजह से हमने अनुसूचित जातियों के लिए संविधान में कुछ सुरक्षा के उपाय प्राप्त किए, अन्यथा हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। यदि हमें कुछ नहीं, सब कुछ नहीं मिला, ये लाइन नोट कीजिएगा, यदि हमको सब कुछ नहीं मिला तो बहुत कुछ जरूर मिला। हमने विधायिका में और नौकरियों में आरक्षण प्राप्त किया, यदि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिला, कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन हमारी ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, कि कहते हैं कि अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिला तो इसमें शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अन्य किसी और समुदाय को पृथक निर्वाचन नहीं मिला। सो इसलिए अब तो आजाद भारत हो चुका है, अंग्रेज जा चुके हैं, तो इस समय कांग्रेस से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उससे सहयोग करना चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति जो भी हैं उनके हक में, उनके उनके इंटरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्राप्त करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। वो कहते हैं
कि प्रशासनिक व्यवस्था में हमारे लोग नगण्य है नहीं है, हमारे लोगों का वहां होना बहुत जरूरी था। कानून से हमको कोई डर नहीं है, लेकिन यदि कानून को लागू करने वाले सरकार चलाने वाले लोग एक ही तरह के हो, एक ही पृष्ठभूमि से हो, कि जो परंपरागत रूप से अनुसूचित जाति के हितों के विरुद्ध हो, तब हमारे लिए आशा की कोई किरण नहीं हो सकती है, आशा की कोई किरण नहीं हो सकती है। यदि जमींदार शोषण करे और उसके रिश्तेदार प्रशासन में, न्यायपालिका में और सरकार में हो, तो निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा। आज के संदर्भ में ये सोच कर देखिए कि आज इस देश में क्या चल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि प्रशासन में कुछ अनुसूचित जाति के लोग सिविल सर्विसेज में, ये जितने हमारे ब्यूरोक्रेट साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जरा इस गौर से सुनेंगे। वो कहते हैं कि इसीलिए सिविल सर्विसेज में हमारे कुछ लोग होंगे तो जातीय उत्पीड़न और भेदभाव से बचाव संभव है, क्योंकि वो लोग न्याय के लिए अपने लोगों की बात सुनेंगे। इसलिए मैंने समझा कि बाहर रहकर विरोध करने से बेहतर है सरकार के अंदर रहकर अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा, ट्राइबल जो भी है उनके हितों की रक्षा की जा सके। यहां इसलिए बात ये कहना जरूरी है कि राजनीति के ताने बाने बहुत जटिल होते हैं। जो लोग विशुद्धतावादी हैं वो कभी राजनीति नहीं कर सकते हैं, वो अपना घर नहीं बदल सकते पूरा, अपनी समाज नहीं बदल सकते। आपको डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के साथ समझौता करना पड़ता है। व्यवहारिक राजनीति को समझिए कि आप अगर जो चाहते हैं वही बात सब आपकी मान लेगा, ये दुनिया के इतिहास में कभी संभव नहीं हुआ है। इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर चलिए। आप सर्टिफिकेट बांटू एक संप्रदाय है सोशल मीडिया पर, उससे बचिए कि लोकशाही की मर्यादा है कि 50+1, अगर 51 है आपके पास तो आप सरकार बना सकते हैं। 49% आपके बीच असहमति हो, अगर 51% सहमति है तो आपको मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 98% मिल रहा है और 2% नहीं मिल रहा है तो आपस में झगड़ा हो जाए। और ज्यादातर मुझे लगता है कि बहुजन समाज में यह प्रवृत्ति दिखती है, कि हर समय कोशिश में रहते हैं, 1000 अच्छी बातें उनको नहीं दिखेंगी, लेकिन 2 उनके हिसाब से जो गलत अगर दिख गया तो उसी पे झगड़ा कर लेंगे। तो आप विशुद्धतावादी मत बनिए। 51% अगर सहमति है तो उसको आगे बढ़े जाने की जरूरत है। अब आइए अगला इंपॉर्टेंट तीसरा सेगमेंट, कि भविष्य के बारे में क्या सुझाव है उनके। उन्होंने कहा कि लुथियन कमिटी के सदस्य के रूप में मैं 12 साल पहले, मैंने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था जब वो लखनऊ गए थे, लुथियन कमिटी के साथ लखनऊ, पटना और बंगाल गए थे, कि 12 साल पहले मैं लखनऊ आया था, लेकिन आज अनुसूचित जाति के लोगों में राजनीतिक चेतना ज्यादा है, इससे मुझे खुशी हो रही है। वो कहते हैं उस भाषण में कि सामाजिक प्रकृति की कुंजी राजनीतिक शक्ति है, और तीसरा फोर्स बने बगैर, थर्ड पॉलिटिकल फोर्स विकल्प बने बगैर, संगठित हुए बगैर अनुसूचित जाति की मुक्ति संभव नहीं है। यदि हम तीसरी शक्ति के रूप में संगठित हो जाएंगे तो कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में वे समर्थन के लिए हमारे पास आएंगे और हमारे पास तब बार्गेनिंग कैपेसिटी होगी। उस समय बात करें 1948 में कि थर्ड अल्टरनेटिव होना चाहिए और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को इकट्ठा मिलना चाहिए। उस समय जाहिर है कि कांग्रेस सर्वशक्तिमान पार्टी थी, और लोकशाही और तानाशाही पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोकशाही में विपक्षी दलों का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा सरकार तानाशाह हो जाती है। उस समय भी हाउस के अंदर बहुत टेंशन था, इसलिए उन्होंने कहा कि हाउस जल रहा है, कांग्रेस के अंदर वैसे लोग हैं जो खुद ही विपक्ष तैयार करना चाहते हैं, कांग्रेस खुद विभाजित है, समाजवादी विचारधारा के लोग इनसे बाहर चले गए हैं, वो कितने बड़े विपक्ष भविष्य में बनेंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनके बड़े विपक्ष बनने की संभावना जरूर है। इसलिए ऐसी स्थिति में भविष्य में 2 पार्टियां होंगी, एक होगी कांग्रेस और दूसरी होगी समाजवादी विचारधारा के लोग। तो आपके पास 2 ही
विकल्प होंगे। तो प्रश्न है कि क्या करें इसी स्थिति में। ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए कि जिससे कि संतुलन बना रहे, पावर बैलेंस बना रहे और बार्गेनिंग कैपेसिटी उनके पास रहे। उस समय आपको याद होगा कि उस समय पंत की सरकार थी वहां उत्तर प्रदेश में और वो मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार के एक निर्णय का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पंत सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान उन्होंने किया था। तो अंबेडकर ने इसे प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि 22% आबादी को 10% आरक्षण दिया गया, जिसके खिलाफ सम्मेलन ने आज प्रस्ताव पारित किया है पंत सरकार के खिलाफ कि पंत ने आपको आपका पूरा कोटा नहीं दिया है। तो इसकी कारण की पड़ताल करते हुए अंबेडकर कहते हैं कि यूनाइटेड प्रोविंस में के असेंबली में उनका पंत का बहुमत है, कांग्रेस का बहुमत है, वे आप पर निर्भर नहीं है। यदि यह आपको तभी मिल सकता है जब आप पृथक संगठन के रूप में संगठित हो और वैसी फोर्स बनाए कि जो दबाव बनाने में, जो बार्गेनिंग करने में सक्षम हो, तभी आपको आपका हक मिलेगा। आज भी यह बात उतना ही सत्य है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझना होगा कि राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं है, पूरी जमात के हितों की सुरक्षा करनी है। इसके लिए एक एका स्थापित करने की जरूरत है। उस सम्मेलन में पिछड़े समुदाय के भी कई लोग थे, उनके नेता थे, और उनके आग्रह पर डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के बीच संबंधों के बारे में बोला। उन्होंने कहा कि इन दोनों वर्गों में एकता की बहुत जरूरत है और इसके दो कारण हैं। पहला कि यह दुखद है कि इन दोनों वर्गों के हित कॉमन है, एक हित है, फिर भी वे संगठित नहीं हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि पिछड़े वर्ग के लोग अनुसूचित जातियों के लोगों से एसोसिएट नहीं करना चाहते, संबंध नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुसूचित जातियों के साथ जुड़ने से उनकी सामाजिक हैसियत अनुसूचित जातियों की तरह ही निम्न हो जाएगी, नीचे स्तर पर आ जाएगी। जो साथी हमारे पिछड़े वर्ग के हैं उनको भी सोचना चाहिए। आज भी बहुत परिवर्तन आया है 7 दशक में, ऐसा नहीं कि नहीं परिवर्तन आया है, लेकिन आज भी ये सोचे जाने की जरूरत है कि क्या ये मनोविज्ञान पिछड़े वर्ग में काम करता है। इस पे आप सबको सोचने की जरूरत है। आगे उन्होंने मुद्दों पे स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लोग के बीच रोटी बेटी के संबंध में मेरी दिलचस्पी नहीं है। आज भी लोग कहते हैं ना, जब आप राजनीतिक आंदोलन करेंगे तो बोलेंगे पिछड़ा वर्ग जो है ना दलित वर्ग में शादी नहीं करता है, वो कोई इश्यू नहीं है। अगर शादी नहीं करता है इसका मतलब थोड़ी कि पॉलिटिकल आंदोलन में एक साथ नहीं आ सकता है। तो कहते हैं कि रोटी बेटी के संबंध में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, उनके लिए पॉलिटिकल क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राजनीतिक सत्ता हासिल करना जिससे कि समाज आगे बढ़े ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए वो कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग अपनी पृथक सामाजिक पहचान रख सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई कारण नहीं दिखता कि वे अपनी खराब स्थिति को खत्म करने के लिए अनुसूचित जाति के वर्गों से मिलकर राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बनाते। ये दिलचस्प है। अपने संस्कार, सामाजिक संस्कार इतना शुद्धतावादी नहीं होइए कि जब तक साथ खाना नहीं खाए, शादी भी नहीं, तब तक कोई एकता ही नहीं बन सकती है। ये आपके राजनीतिक शत्रुओं की साजिश है। इस बात को समझने की जरूरत है कि सब ओवरऑल जो परिवर्तन चाहने वाले लोग हैं, बेसिकली एक दिन में जो दुनिया बदलने वाले लोग हैं, दे आर यूजलेस पीपल, गुड फॉर नथिंग जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। वो समझिए कि आपको अपने रियल मुद्दों से भटका रहे हैं। आगे उन्होंने कहा पिछड़ा वर्ग के बारे में कि अलूफनेस के कारण ना, कि अलग थलग रहने के कारण उन्हें हानि हुई है। उन्हें ऊंचे वर्गों से सत्ता छीनने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए। और इसके पीछे वो लॉजिक देते हैं कि सबसे बड़ी बात थी वो था कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेस, एडल्ट फ्रेंचाइजेस, वयस्क मताधिकार। उन्होंने कहा कि वयस्क और सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था ने पॉलिटिकल पावर को लोगों के हाथ में पहुंचाया है कि राजा अब जो है रानी के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स से निकलेगा, कि पॉलिटिकल पार्टी अब जनता के द्वारा राजा बनेगा, किसी के पेट से नहीं निकलेगा, लोगों के बीच पहुंचाया है। और मेरे विचार से यदि 1.5 करोड़ अनुसूचित जातियों के लोग
और 1 करोड़ पिछड़े जाति के लोग अपने शत्रु के खिलाफ एक साथ आ जाते हैं तो वो विधायिका में 50% से ज्यादा सीट, 50% सीट जीत सकते हैं और पॉलिटिकल पावर पे, राज सत्ता पे वो कब्जा कर सकते हैं। दिलचस्प है, आज भी ये प्रासंगिक है। तो यदि आगे कहते हैं, ही वॉज वेरी प्रैग्मेटिक, बहुत ही व्यवहारिक थे, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ने लिखने से, अनुभव से बहुत कुछ समझने में सहूलियत होती है। वो बहुत व्यवहारिक थे। वो बोले अगर एकता नहीं भी बनती है तो फिलहाल आप यदि पिछड़ा वर्ग के लोग ऊंची जातियों के खिलाफ अलग मोर्चा बना लें तब भी मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुखद है, वो थोड़ा दुख भी व्यक्त करते हैं कि दुखद है कि पिछड़े वर्ग के लोग अपनी शक्ति को लेकर सचेत नहीं है, जिसके कारण ऊंची जाति के लोगों ने उन पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है। आज के संदर्भ में इस बात को अगर देखिए, नौकरी में आरक्षण खत्म हो रहा है, सारा निजीकरण हो रहा है, CST में क्रीमी लेयर की बात आ रही है जो गैर संवैधानिक है, कोरोना क्राइसिस चल रहा है, लेकिन जिनको दलित पिछड़े के खिलाफ काम करना है वो लगातार अपना लगे हुए हैं, लेकिन हमारे नेता चुप बैठे हुए हैं। उन नेताओं से भी सवाल किए जाने चाहिए। उन्होंने इस तथ्य की ओर इशारा किया, डॉक्टर अंबेडकर ने, कि देश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाने की वजह से अनुसूचित जाति के लोगों ने अपने आप को थोड़ा बेहतर किया है, कि वो एक्टिव थे, कई ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, लगातार संघर्ष में थे, तो उनको थोड़ा सा सत्ता प्राप्त हुआ, थोड़ा सा अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन इस बात का कोई कारण नहीं है कि पिछड़ी जाति के लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उनको भी अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि अनुसूचित जाति और पिछड़े जाति के लोग इस देश के बहुसंख्यक आबादी है, आज भी है। अनुसूचित जाति और पिछड़े जाति के लोग बहुसंख्यक आबादी हैं और अगर वे एक साथ आ जाएं तो वोट संख्या नंबर उनके पक्ष में है, तो इसका कोई कारण नहीं दिखता कि उस देश में शासन क्यों नहीं कर सकते। और यह भी कहते हैं कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मिला है, वह आप संख्या है, वोट है, एक साथ मिलो, कब्जा करो पॉलिटिकल पार्टी पे, उसके बाद धीरे धीरे सुधार करते रहना। वो आगे कहते हैं कि इस यह मान लेना कि कोई सरकार चिरस्थायी होती है मिथ्या है, कि अजर अमर कुछ नहीं होता है, बड़े से बड़े तानाशाह आए और चले गए, कि कोई भी सरकार चिरस्थायी नहीं होती है। लोकशाही में कोई भी सरकार परमानेंट नहीं होती है। जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे उस दिन आप सरकार पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए लास्ट बात वो कहते हैं, इसलिए आप अपने आप को एक नेता, एक पार्टी और एक प्रोग्राम के अंतर्गत संगठित करो। ये 21वीं सदी के दूसरे दशक में हूं, 20वां वर्ष है। आज जो दलित पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते हैं उनसे ये सवाल बनता है, वेयर इज आइडियोलॉजिकल यूनिफिकेशन, कहां है प्रोग्राम, किधर है प्रोग्राम, बताइए। 5 साल सोए मत रहिए, विमर्श करिए, सेमिनार करिए, गोष्ठी कीजिए, मुखपत्र निकालिए, अखबार निकालिए, ये आप नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा। रतनलाल मोबाइल से कितने लोगों को पढ़ पढ़ के बता सकता है, 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन नेताओं के फॉलोअर्स करोड़ों होते हैं, अगर वो कोई बात बोलेंगे तो करोड़ों लोग एक साथ मोबिलाइज हो सकते हैं। तो इसलिए नेताओं से ये सवाल पूछिए कि प्रोग्राम एजेंडा कहाँ है, मैनिफेस्टो क्या है, क्या करेंगे। विश्वविद्यालय में हर जगह आरक्षण खत्म हो रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन हमारे नेता चुप हैं। साथियों, मीडिया उस समय भी गोदी मीडिया थी और अंबेडकर साहब की बातों को उलट पुलट कर अखबार में छपा, इसको लेकर पार्लियामेंट में हंगामा भी हुआ, कि कहा गया कि आपने अपने कलीग्स की आलोचना की है, आप सरकार में शामिल भी हैं और कलीग्स की आलोचना की है। तो अंबेडकर साहब ने इसका स्पष्टीकरण दिया और कहा कि वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का प्रोग्राम था, सरकार का प्रोग्राम नहीं था, इसलिए मैं वहां बोलने के लिए स्वतंत्र था। आज के मंत्री ऐसा बोल सकते हैं क्या? वो सामाजिक संगठन पे भी आएंगे तो वो सरकार का ही गुणगान करने के में लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि अंबेडकर साहब को पढ़े जाने की जरूरत है, पढ़ेंगे या दिलचस्प आपको जानकारी मिलेगी। साथियों, ये सारी सूचना इस एपिसोड में जो मैंने दिया उसके लिए आप देख सकते हैं अंबेडकर साहब की इंग्लिश राइटिंग वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज नंबर 388 to 94।
वॉल्यूम 17 17 पार्ट 3 पेज नंबर 38294 ये आप देख सकते हैं। साथियों, यह विमर्श कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहें, और ज्यादा मेरे पास संसाधन मोबाइल है और आप हैं, मेरे पास तो कोई स्टूडियो नहीं है और न मेरे पास इतने लोग हैं कि मैं अपनी बात करोड़ों तक पहुंचा सकूं, तो पहुंचाने के साधन माध्यम आप ही हैं। तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर, इसमें कोताही ना बरतें। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि मैं जो अम्बेडकर साहब को पढ़ रहा हूं, लाखों करोड़ों के बीच ये बात जाए, और लोग सब लोग मोटी मोटी किताब नहीं पढ़ सकते हैं, तो जो मैं पढ़ रहा हूं तो उसका फायदा लाखों करोड़ों लोगों को जाना चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मैं सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पे भी हूँ, फेसबुक पे भी रतन लाल टाइप करें मिलूंगा, ट्विटर पे हूँ रतनलाल72 और इंस्टाग्राम पे हूँ doctor.ratan.lal। शुक्रिया साथियों, जय भीम। आज के लिए इतना ही, कल मैं आपसे बात करूंगा जिसमें कि जो गोल में सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने माइनॉरिटी सब कमिटी की ओर से जो मेमोरेंडम सौंपा था उस मेमोरेंडम में क्या बात थी उस पर चर्चा कल करूंगा। शुक्रिया साथियों, जय भीम। शेयर करना ना भूले। शुक्रिया, बाय बाय। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।